रालोसपा की ओर से 28 नवंबर को ऊंच नीच दिवस के रूप में मनाया गया और इस अवसर पर बड़ी संख्या में रालोसपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दरमियान पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकर आजाद ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यायपालिका से जुड़े मुद्दों को लेकर उनकी पार्टी हमेशा से प्रदर्शन करती रही है और राज्य सरकार से इसमें सुधार करने की अपील भी करती रही है, किंतु मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसमें किसी तरह का सुधार नहीं किया और अब वे ऊंच नीच शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने के लिए मुख्यमंत्री को तत्काल माफी मांगनी चाहिए और जब तक सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री जी माफी नहीं मांग लेते हैं उन लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलनरत है। पिछले 5 सालों से हम लोगों ने बिहार के जमीन पर अपनी सही बात कहने के लिए, चाहे शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, चाहे न्यायपालिका का सवाल हो, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी लगातार उन बिंदुओं पर आंदोलनरत रही है। आज महात्मा फुले का पुण्य दिवस है। इस दिन के अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पर ऊंच नीच दिवस मनाने का कार्यक्रम तय किया और ऊंच नीच दिवस मनाने के पीछे जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का मंशा है वो ये है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को नीच कहा, जो कि असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। हम लोग चाहते हैं कि सूबे बिहार का मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे और ये कहे कि हमसे गलती हुआ है, नहीं तो बिहार की जनता और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आगे के दिनों में उन्हें बताएगी कि ऊंच नीच का राजनीति करने वाले का क्या असर होता है। NDA से बाहर निकलने के बाद ही ना कुछ बोलिएगा उनको। मैं अभी ही बोल रहा हूँ, निकलना कहाँ है। मैं NDA में रह कर ही शिक्षा के सवाल पर आंदोलन कर रहा हूँ। आज भी जो मैं हस्ताक्षर अभियान चला रहा हूँ, पार्टी चला रही है, वो NDA में रह के कर रहा है। NDA में रहने का मतलब ये नहीं है कि मैं आंख बंद करके चलूँ और अंधा होकर राजनीति करूँ।